हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मोटी मिर्ची की सब्जी। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ साथ बने रहिएगा। ये मैंने आलू, मोटी मिर्ची, पतली मिर्ची और प्याज ले लेती हूँ, लहसुन। चलिए मैं काटना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लूँगी। ये अब आलू काट कर रख लेती हूँ। देखिए, दो आलू कट करके रख लेती हूँ, प्याज भी कट करके रख लेती हूँ। ये कढ़ाई रख दिया मैंने, कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें तेल डाल देती हूँ। ये देखिए, 2 चम्मच। अब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ। ये देखिए, अब इसमें लहसुन डाल देती हूँ इतना सा। इसे मिक्स कर देती हूँ जीरे में। अब इसी में प्याज डाल देती हूँ। देखिए, प्याज को भी मिक्स कर देती हूँ। अब इसे मिर्ची डाल देती हूँ ग्रीन। ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन हो रही है धीरे धीरे करके। अब देखिए, कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब इसमें मैं आलू डाल देती हूँ, आलू को मिक्स कर देती हूँ। देखिए, आलू मिक्स हो गई। अब ये मिर्ची कट करके रखा था, इसे भी डाल देती हूँ इसी में और मिक्स कर देती हूँ आलू के साथ। ये देखिए, ऐसे मिक्स कर देना इसे। ये मिर्ची तीखी नहीं होती बिल्कुल, खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, उसमें हल्दी डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और ये धनिया पाउडर डाल देती हूँ। मसाला डाल देती हूँ चम्मच छोटा। जीरा पाउडर डाल देती हूँ और 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ इसमें। अब इसमें मिक्स कर लेती हूँ साथ में।
मैं देखिए इस पे ढक्कन लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए। धीमी आंच में थोड़ा पकाना है इसे। मैं देखिए मिक्स कर दूंगी अब सारा। मैं देखिए ऐसे मिक्स करते रहना है इसे। अब इसमें एक टमाटर काट के डाल दूंगी। ये देखिए पांच मिनट के लिए ढक देती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गया है। इसे मिक्स कर लेती हूँ फिर से। ये देखिए खुशबू आ रही है इसमें से। इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हो रही है। देखिए सब्जी हमारी बन गई है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए अब इस पर बहुत सारा धनिया डाल दूंगी। देखिए